वेलकम दोस्तों, इंडिया के स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, यार मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। मतलब स्टार्टअप के लिए तो मैं वैसे भी क्रेजी हूँ, बिजनेस के लिए वैसे भी क्रेजी हूँ, तो आज स्टार्टअप के वैल्यूएशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर रविंद्र सर का। रविंद्र सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अरे सर, मज़ा आ गया। सर मुझे बताइए यार, वैल्यूएशन का मतलब स्टार्टअप शार्क टैंक ये वो बहुत चल रहा है। ओके, आज वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। मतलब क्या होती है कंपनी की वैल्यूएशन, कौन डिसाइड करता है वैल्यूएशन? ओके, सो एज यू सेड यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन अबाउट द वैल्यूएशंस, मोस्टली अबाउट द स्टार्टअप वैल्यूएशंस, करेक्ट? सो बिफोर गोइंग टू वेरी डिटेल अबाउट दिस वैल्यूएशंस, इन अ सिंपल थिंग्स आई विल गोना स्टार्ट विद दैट, लाइक वैल्यूएशंस होता क्या है, लाइक ये वैल्यूएशंस है क्या, मतलब वैल्यूएशन क्यों, वैल्यूएशंस क्यों करना है और वैल्यूएशंस चाहिए क्यों। ओके, से फॉर एग्जांपल आप अभी कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो और कोई भी सर्विस पकड़ लो, आप करना क्या चाहते हो? उस प्रोडक्ट को सेल्स करना चाहते हो। सेल करनी सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, आपको सेल्स करना है। सेल करने के लिए आपको एक प्राइस फिक्स करना पड़ता है। ओके, तो जनरली क्या होता है ना, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और एनीथिंग विच इज लिटिल इनोवेटिव, मतलब आपका प्रोडक्ट मार्केट पे नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे आप कॉस्ट निकालोगे? आप ऐड करोगे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड आप कुछ मार्जिन बना के उसका एक वैल्यूएशन के लिए एक प्रोडक्ट निकालो। चलो अपन इस लैंप के बारे में बात करते हैं, और सरल कि भैया मैंने कंपनी में लैंप बना रहा हूँ, आज हमें मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, चलो लैंप के बारे में बात करते हैं। तो मतलब एक इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वॉस्ट मिला के 1000 रुपये आ गई मान लो। अब मैं इसको सेल करता हूँ 2000 रुपये में, 2000 रुपये में इसको सेल कर रहे हैं हम। अब आगे क्या, मतलब कैसे करना? तो यही प्रोडक्ट का एक वैल्यूएशन हो गया, ये प्रोडक्ट का एक वैल्यू आपने डिसाइड किया, वही आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो भी। ओके, बट इफ ऑलरेडी वन प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग, नाउ इट इज इनोवेटिव प्रोडक्ट, वेल एंड गुड। इफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट इनोवेटिव, देन व्हाट इज, ऑलरेडी मार्केट इज एग्जिस्टिंग फॉर दैट प्रोडक्ट। तो आप दो चीजें बोल रहे हो, दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। वन थिंग्स वेयर द यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटर और योर प्रोडक्ट इज इनोवेटिव प्रोडक्ट, देयर यू हैव अ मोनोपोली। Now the another one is what? Already market is existing. For example, cell phones. You say today's world, so many cell phones are the same features you are getting. So if you see, everyone will have a same price bracket, you know, 10,000, 20,000 to 25,000, same bracket will be there. So here what is happening? Two way of doing a valuation of a product. One. नहीं तो मैं वापस यहाँ समझता हूँ। देखो आप ही बोल रहे हो कि ये एक लैंप है, अगर मैं इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाता हूँ तो इसकी मार्केट की कॉस्ट मैं तय कर रहा हूँ, ये आप तय कर, पहली चीज तो ये। yes. दूसरा है, ये लैंप ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टिंग करता है, तो उसकी रेंज हमको उतना सिमिलर ही रखना पड़ेगा कि इस पर, मतलब 2000 रुपए तो 2200 रुपए कर सकते हैं, 1800 रुपए कर सकते हो। इनिशियल ईयर यू कैन डू गिव इट डिस्काउंट एंड यू नो पीस द मार्केट, देन यू कैन इनक्रीज। तो ये एक मार्केट की, मतलब एक प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई, ठीक है। आपको एक आईडिया हो गया, बहुत बेटर हाउ टू डू ए प्रोडक्ट वैल्यूएशन, ठीक है। नाउ कंपनी वैल्यूएशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। अच्छा, ओके, so nowadays what is happening as startup, if you understand a startup is what, it's just a idea, that's what we say, right? So startup is also kind of two kind of things. One is on a idea based startup, where you just have a idea or you have a prototype, means base product of your idea, based on your idea, right? Or already one is what, here what is happening, already some customers are already means a futurist, already products are there or already platforms are there, say Flipkart, Snapdeal, all are already platforms are there. Now if you wanted to enter into that market, you have to have your some futuristic product, right? Something like some aapko thoda additional kuch benefit dena hai us tarah ka. So do ho gaya, ek mein already market competitors are already there, aur ek mein aapka purely idea based. So right now idea based ke liye hum baat karte hain, like idea based mein kya hota hai, to koi engineers hai, they got an idea, they are very you know particular about that idea, or they made a company as you already talked in your earlier videos, 5,000 or n number of amount, then you start a company, right? Okay, and this idea, and on that you have made a prototype of your company. Now you don't have money, like you need investors. Why do you need investors? Either you have to go to market having that product, to marketing that, or else you need to manufacture that product in n number of times, and you need to sell that one. Now for that I need a investors. So first round of investors को बोला जाता है angel investors, मतलब जो मतलब छोटा मोटा पैसा लगा दिया उन्होंने, मतलब कि भैया आपको बिजनेस को बूम करने के लिए थोड़ा सा पैसा लगा। पहले
उस एंजल इन्वेस्टर्स आर पर्टिकुलर अबाउट वीसी, दे आर प्रोफेशनल्स ना. उससे पहले जो आप बोल रहे हो दैट्स कॉल्ड पहले आपका खुद का फंड लगाया था, देन क्या करते हैं उससे पहले कुछ फ्रेंड्स से पैसा लेके आते हैं, फैमिली से पैसा लेके आते हैं, उसके टाइम पे नॉर्मल वैल्यूएशन पे लेके आ जाते हैं. उस टाइम पे आपको पैसा चाहिए जस्ट टू मेक ए प्रोटोटाइप. बट मेन आपको जब इन्वेस्टर्स के लिए जाना है, कोई एंजल इन्वेस्टर को जाना है, वहाँ पे क्या करते हैं, दे विल गिव यू एक्स नंबर ऑफ अमाउंट. से हाउ विल यू नो हाउ मच अमाउंट यू नीड. तो आप जब बिजनेस बनाते हो आपको पता है लाइक सिक्स मंथ तक और वन ईयर तक मेरा कितना खर्चा होगा. बजट बनाते हो लाइक एवरी वन इज मेक्स वन बजट लाइक हाँ मुझे कितना पैसा चाहिए. से फॉर एग्जांपल योर प्रोटोटाइप और वट एवर यू डेवलप्ड, वो जो प्रोटोटाइप आप खर्चा करते हो उसका बनाने के लिए आपको 1 लाख खर्चा होता है एंड आपका सैलरी ऑल अदर एक्सपेंसेस. तो मतलब मेरे को पहले डिसाइड करना है कि मेरा खर्चा कितना होगा, कितना होगा, मतलब महीने भर में कितना होगा, हर महीने कितना होगा, साल भर में कितना होगा. मान लो साल भर में मेरे 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट लग गई, मेरे को पता है कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसकी 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट लगेगी. आपको ये पता है एज ए एंटरप्रेन्योर, बस सिर्फ मेरे पास अभी आइडिया है, अभी आइडिया है एंड आपने प्रिपेयर भी कर लिया बिकॉज आपको पता है क्या क्या खर्चा होगा. राइट नाउ आपको 1 करोड़ चाहिए, आप जाते हो मार्केट पे एंजल इन्वेस्टर को बोलते हो भाई मुझे 1 करोड़ चाहिए और 2 करोड़ रुपीज चाहिए एंड कैन यू गिव मी दैट वन. तो वो आपको प्रोडक्ट देखेगा उसमें क्या क्या है, आप में पोटेंशियल है, मार्केट इज अवेलेबल, वो सब दिखा डिसाइड करेगा. देन ही विल टेल ओके सी जनरल टेंडेंस इन मार्केट पे क्या होता है ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो देते हैं अराउंड 20-50% और 40% एट द फर्स्ट राउंड. दे विल आस्क फ्रॉम यू. अच्छा इक्विटी मांग लेंगे लोग डायरेक्टली इक्विटी. तो फर्स्ट राउंड इज ऑलवेज इक्विटी. अच्छा फर्स्ट राउंड इक्विटी देंगे और आपको कितना पैसे कैसे वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वही आपको जो चाहिए दैट इज व्हाट इज द बिकमिंग ए वैल्यू. सो आपको कितना चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, इन आवर एग्जाम्पल 2 करोड़ चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए बट आप गो फॉर ए हायर सेट बिकॉज वो लोग डिस्काउंट करेंगे. तो 1.5 और 2 करोड़ आपको चाहिए. देन वो बोलेगा लाइक योर आइडिया इज वेरी गुड, ओके यू कैन पिच द मार्केट विद इन फ्यू ईयर. सो ही विल टेल ओके लेट्स सी आई एम गोइंग टू टेक योर 20% ऑफ योर इक्विटी फॉर 2 करोड़ रुपीज. अच्छा 2 करोड़ रुपए मांगने जा रहे हैं, वो 20% हमको बोलेगा, 20% आपकी कंपनी का मुझे दे दो और आपकी कंपनी की वैल्यूएशन अब 2 करोड़ रुपए. नहीं तो 2 करोड़ आपका है, 2 करोड़ वो दे रहा है आपको और आपका 20% ले रहा है. तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 20% इज कम्स टू 10 करोड़ इज योर वैल्यूएशन. 10 गुना आप करके चल रहे हो तो 10 times. नो आई एम नॉट डूइंग 10 गुना. आपने देखिए अभी आपको कितना चाहिए था, 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए था. आपका कंपनी इज लाइक यू एंड से योर फ्रेंड है 50-50 एंड यू आर और इज यू आर सोल ओनर ऑफ द 10,000 आपके पास ही है. 10,000 का शेयर से लाइक 1 लाख के आपने डाल के कंपनी आराम शुरू किया था ना. 1 लाख आपने जो शुरू किया था 10,000 rupees 10 each लाइक आपको तो वो मेथड पता है ना. उसमें से आप उसको 20% दे रहे हो, 20% तो अभी आपका ओनरशिप रिड्यूस्ड बाई 20%, आप 80% हो गए. 20% के बदले वो आपको कितना दिया, 2 करोड़ दिया. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कंपनी, 2 करोड़ वो क्या कर रहे हैं आपका एंटायर बिजनेस को, ओके आउट ऑफ दैट 20% ही इज टेकिंग फॉर 2 करोड़ रुपीज. सो रिमेनिंग तो जस्टिफाइड नहीं हो रहा क्योंकि 2 करोड़ तो उसने दे दिया, आपको बढ़ाना पड़ेगा ना. मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है. 2 करोड़ किया आपको कंपनी को, 2 करोड़ चाहिए, उसने आपको 20% दे दिया फॉर 2 करोड़ रुपीज अगेंस्ट 2 करोड़ रुपीज. तो आपको पूरा बॉकेट में कितना शेयर है, बाकी शेयर का क्या प्राइस हुआ अभी, अभी भी थोड़ा सा और, हाँ, और आपको मैं बता देता हूँ इज ए काइंड ऑफ थिंग. देखिए 2 करोड़ आपको चाहिए, आपको आप दे रहे हो उसको 20% शेयर्स, ओके सो 10,000 शेयर से कितने शेयर आप उनको दे रहे हो, 2,000. तो 2,000 शेयर का प्राइस क्या होगा, 2 करोड़ 2 करोड़ रुपीज. तो उसको आप डिवाइड कर लो कितना आता है एक्चुअली, तो 10 करोड़ के आसपास. नो नो 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 2,000 शेयर पर शेयर प्राइस क्या हुआ, 2 लाख रुपीज. No, it will come 2,000 shares का है and ये almost आपने 2 crore दिया, 10,000 each आपको है. Right. Okay. तो आपका शेयर से भी 10,000 हो गया. आपका पहले कितना था, 10 rupees था मेरा. आपने पहले 10 rupees डाल के ही आपने 1 lakh किया था. Right. Now it became 10,000. 10,000 हो गया मेरा वो. ओके तो अब इससे वैल्यूएशन डिसाइड हो गया, वो परसेंटेज प्राइस आपको मिल गया बिकॉज आपका क्या था, 2,000 जो नंबर ऑफ शेयर्स आपने बेचा 2 करोड़ पे. राइट तो व्हाट इज द रिमेनिंग शेयर यू हैव, 8,000
तो देयर इज नथिंग बट 8 करोड़ हो गया 8 करोड़ प्लस 2 करोड़ कितना हुआ 10 करोड़ दैट इज योर वैल्यूएशन. अच्छा तो ये वैल्यूएशन ये इनिशियल स्टेज में जो होता है ना आपको जो सुने होंगे मैंने फर्स्ट राउंड पिच कर लिया एंड नाउ माय वैल्यूएशन इज 10 करोड़ 5 करोड़ दिस इज हाउ इट हैपेंस. तो ये कंपनी की वैल्यूएशन हो गई मतलब तो यहां पे कोई अब जब कंपनी अच्छा नॉलेज मतलब आप ही बताओ कि अब कोई कंपनी सेल कर रहा है तो क्या 10 करोड़ रुपए में सेल करेगा उस कंपनी को. नाउ इज योर वैल्यूएशन इज 10 करोड़ सो इट इज अ मार्केट वैल्यूएशन. ये आपका बुक्स में तो कुछ नहीं है ना आपका पास एसेट है ना बैंक बैलेंस है कुछ नहीं है. ओके आफ्टर वो देगा आपका 2 करोड़ हो देगा तो अपने पास कोई ओनली आइडिया इज योर 10 करोड़ नाउ योर आइडियाज वैल्यूएशन इज 10 करोड़ समझ में आ गया. तो आपके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है तो अभी वो 2 करोड़ लेके आके आप मार्केट बनाओगे प्रोडक्ट डेवलप करोगे. बायजू की बात करें तो बायजू कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है और अपनी वैल्यूएशन उतना गुना बढ़ा रहा है. ओके मैं पहले बता देता हूँ आप जैसे बायजू सब तो आपको पूरा हिस्ट्री जाओगे तो बायजू 2011 पे शुरू हुआ था. उस टाइम पे उनका ऑनलाइन नहीं था दे आर वेरी एजुकेशन ऑफलाइन करके IIT आई थिंक दे आर स्टार्टेड विद IIT स्टूडेंट्स को पढ़ाते देन धीरे धीरे वो करते 2015 ऑनवर्ड्स दे वेंट टू ऑनलाइन. नो उस टाइम पे क्या हुआ जब वो मार्केट का पोटेंशियल समझ में आ गया उनको लाइक कितना उनका वैल्यूएशन से तो फर्स्ट राउंड पे भी आई थिंक दे वेंट इनटू लाइक दिस ओनली एंड दे गॉट आई डोंट नो एग्जैक्टली फर्स्ट राउंड पे उतना कितना हुआ है बट करेंटली देयर वैल्यूएशन इज 21 बिलियन डॉलर. बट आप इतना पैसा कितना रेस किया होगा उन्होंने नहीं वही तो दैट्स अ वैल्यूएशन मतलब आप सुने होंगे ऐसे बोला जाता है एग्जाम्पल लाइक 10% और 20% वो इतना सेल किए जैसे मैंने आपको बताया आपने 20% 2 करोड़ पे सेल किए तो आपका वैल्यूएशन हो गया 10 करोड़ तो उसके हिसाब से उतने कुछ ही शेयर डायलूट किए होंगे उसके रिवर्सल कैलकुलेट करके उसको बताया जाता है कि 21 बिलियन इज योर कंपनी वैल्यूएशन 21 बिलियन डॉलर इज योर कंपनी वैल्यूएशन. उसने बहुत सारे राउंड डायलूट किए हैं आई थिंक दिस इज F4 उनका टेक्निकल है एक्चुअली. ओके तो उसमें क्या हो जाता है 21 बिलियन डॉलर का वो वैल्यूएशन हो गया जैसे हमारा आइडिया पे 10 करोड़ था. नाउ वो कैसे हुआ ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आया बट इनिशियल डेज उनका 1 बिलियन और 1 बिलियन डॉलर ऐसा ही कुछ हुआ होगा इनिशियल. तो ये तो हो गया इन्वेस्टर की फंडिंग अगर अपन लोग करते हैं तो इन्वेस्टर ने पैसा डाल दिया फिर वैल्यूएशन बढ़ा दी. दूसरा पॉइंट एक और आता है कि सेल्फ वैल्यूएशन करते हैं जैसे जीरोधा कर रहे हैं खुद की वैल्यूएशन खुद ही कर रहे हैं. तो वो मैंने जो बताया था आपको स्टार्टअप में 2 कैटेगरी बताया था. तो पहले कैटेगरी पे आइडिया बेस्ड है आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपका मार्केट है जैसे कि बायजूस आपने बोला तो मार्केट बायजूस का कोई एग्जैक्टली ऐसे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है बट हाँ अभी है एट दिस ईयर नाउ यू कैन हैव वेदांतु और सम अदर कंपनीज आर देयर. तो वो मार्केट में जब आए वो दे गॉट मार्केट शेयर तो हाउ विल यू वैल्यू हाउ बायजूस इज दैट मच ऑफ वैल्यूएशन बिकॉज उनका एक्टिव यूजर्स आर मोर ओके लाइक दिस नो वन हैज दैट बिकॉज ऑफ दैट दे वैल्यूएशन बट इट डजेंट मीन दे हैव अ रेवेन्यू उनका तो रेवेन्यू भी शुरू नहीं हुआ है. ओके तो उनका वैल्यूएशन के लिए एज ए फाउंडर हाउ यू नो द वैल्यूएशन एट द इनिशियल स्टेज मैंने जो बताया था आइडिया खर्चा कितना होगा उसके बेसिस पे आपने इसके हिसाब से आपने 2 करोड़ आपको चाहिए आपने डायल्यूट किया एंड आपको 20% का मिल गया हमारा एग्जाम्पल में. बट इसके उस टाइम पे आपको आइडिया नहीं था आपका रेवेन्यू क्या होगा तो आप क्या कर सकते हो आपको फर्स्ट ईयर पे कोई रेवेन्यू नहीं है तो एज ए थियोरिटिकल एज ए फाउंडर और एज ए प्रोफेशनल सो आपको पता होगा वैल्यूएशन के लिए कुछ प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं जैसे रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी ऑल डू दी वैल्यूएशन. ना हम कैसे आपका कंपनी वैल्यू करेंगे लाइक ए फाउंडर टू हेल्प ना तो उसको क्या करते हैं 5 साल और 10 साल का प्रोजेक्शन बनाते हैं रेवेन्यू क्या होता है एक्सपेंसेस क्या होता है क्या प्रॉफिट आएगा इसके करके हम कैश फ्लो बनाते हैं. आपको तो प्रॉफिट नहीं आया तो भी बनाओगे प्रॉफिट नहीं आया तो ऑब्वियसली फॉर अ स्टार्टअप प्रॉफिट नहीं आता है. ओके तो ये इसको जो हम जो बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो. ये हम प्रोजेक्ट करते हैं इस साल प्रॉफिट नहीं आएगा फर्स्ट 3 इयर्स बट आफ्टर दैट आपको ईबीटा और आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा. नहीं आया तो 5 साल प्रॉफिट है. हाँ तो अभी तो वो मैं आता हूँ एक्चुअली प्रॉफिट नहीं आया तो मैं आपको आता हूँ लाइक पहले जब सपोज आफ्टर 5 इयर्स और आफ्टर एज ए फाउंडर यू से दैट आफ्टर 7 इयर्स आई विल गेट प्रॉफिट देन 7 इयर्स और 10 इयर्स के बाद आपको प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे हम कंपनी वैल्यू कर सकते हैं. नाउ आपने अभी रेवेन्यू आ गया आपका क्वेश्चन क्या था मेरा रेवेन्यू है बट मेरा प्रॉफिट नहीं है राइट दैट्स योर क्वेश्चन. तो उसमें क्या होता है जब हम वैल्यूएशन करते हैं ओके ये तो एक आपको समझ में आ गया फर्स्ट केस होता है सेकंड पे कैसे होता है अभी आपका जो भी कंपनी है ऑलरेडी मार्केट में कुछ कंपनी होगा सिमिलर नहीं होगा तो कुछ तो होगा कुछ कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड होंगे इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया तो उनका वैल्यूएशन देखेंगे वो वैल्यूएशन आपके बिजनेस में अप्लाई किया जाएगा. ओके सो उसमें क्या होता है आपका रेवेन्यू से 1 करोड़ है बट आपका एक्सपेंसेस 1.5 करोड़ है आपका प्रॉफिट नहीं है. नाउ रेवेन्यू को बेस में 20 टाइम्स ऑफ योर रेवेन्यू 10 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू इज बिकम योर वैल्यूएशन.
ओके ऐसा किया जाते हैं, बट बी श्योर ऑन दैट पहले राउंड में आपने 1 लाख दिया था, उसके बाद आपने कोई एंजल इन्वेस्टर को लेके आए, उसने आपका वैल्यूएशन कितना कर लिया, 10 करोड़ कर दिया। नाउ अभी आपका रेवेन्यू शुरू हो गया, राइट, रेवेन्यू शुरू होगा लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा। ओके, तो उस टाइम पे और कोई मार्केट आप जा रहे हो और अगेन आप यू वांटेड टू गेट सम लाइक आपको कोई इन्वेस्टर फिर से चाहिए इसमें, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आपको कैसे वैल्यूएशन करना है? आपका कंपनी का सेम एक कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो इसमें क्या होता है उनका आपको तो वैल्यूएशन डेली पता हो जाता है। तो उसे उनका कोई एग्जाम्पल है ABC कंपनी, उसका वैल्यूएशन 1000 करोड़, उनका तो पता चलता रहता है, उनका डेली आपको पता चल जाएगा। ओके, तो एज ए फाउंडर ऑफ योर कंपनी हाउ विल यू नो माय वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी, राइट? सिमिलर कंपनीज लिस्टेड। ओके, नाउ वो जो नॉट एग्जैक्टली सिमिलर व्हाट अबाउट 80% इज आल्सो, तो आपने उनका वैल्यूएशन देखा कि 1000 करोड़ इज देयर वैल्यूएशन, उस टाइम पे उनका रेवेन्यू क्या है, 100 करोड़ इज देयर रेवेन्यू, तो व्हाट इज दैट मल्टीपल्स, 1000 करोड़ 1000 crore divided by your revenue is 10 times, right? 10 times of your revenue is nothing but your valuation. वही कंपनी का जो ABC हमने जो लिस्टेड है। Now same line पे आप हो, आपका रेवेन्यू है 5 crore और 1 crore, what is your valuation? 10 times or 12 times. ऐसा होता है like at the when you generated a revenue, this is how we compute a valuation sector. This is how even the market or investors. 5 to 10 times मतलब 10 to 12 times करके चलते हैं, मतलब अगर basically देखा जाए मोटा मोटा ही तो कितना? Based on the industry wise. कि service industry है, product industry है, already किसी ने कर रखा है, नहीं कर रखा है, उसके basis पे valuation कर सकते हैं। और प्रॉफिट आ रहा तो उसके बेसिस पे अलग वैल्यूएशन कर सकते हैं। हाँ, तो प्रॉफिट जब आ गया, देखिए ये आपका रेवेन्यू से होता है, कुछ टाइम पे ऐसा हो जाता है आपका प्रॉफिट नहीं आया, लाइक PBT, लाइक आपका प्रॉफिट है लेकिन इज नॉट सफिशियंट टू पे द टैक्स, बिफोर टैक्स यू हैव लिमिटेड प्रॉफिट एक्चुअली, और एक इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉफिट, पहले आपका लॉस हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपका 1 crore हो रहा था, देन 1.5 crore का रेवेन्यू हुआ, सॉरी एक्सपेंसेस है 1.5 crore का, रेवेन्यू क्या हुआ 1 crore हुआ, ये धीरे 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 करके 1.5 crore का एक्सपेंसेस आपका मिट हो गया, बट आपको तो टैक्स पे करने के लिए जो चाहिए, राइट, PBT। उस टाइम पे क्या होता है जब कुछ वैल्यूएशंस करते हैं, इधर वन ऑप्शन सेल्स का मल्टीपल पे कर सकते हो, प्रॉफिट का मल्टीपल्स पे करते हो। सेम एग्जाम्पल आपका जो कंपनी आपने जिसी को बेंचमार्क लिया था उसमें आपने क्या किया था, 1000 crore इज देयर वैल्यूएशंस, 100 crore इज देयर रेवेन्यू एंड उनका प्रॉफिट है 10 crore, तो आप बता दीजिए 10,000 crore डिवाइड बाई 10 तो 100 times, तो आपका प्रॉफिट का 100 times भी आप डालते हैं। तो ये वैल्यूएशन जो है, मतलब ये सिर्फ जब कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला होता है तभी वैल्यूएशन की बात की जाती है, राइट, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो तो वैल्यूएशन की बात करेगा नहीं ना, तो उसको तो क्या मतलब है, मतलब वो तो इजीली काम करता रहेगा, तो इसी में ये क्या मतलब ग्लोसी टाइप का ही दिखता है मुझे तो, कि मतलब बहुत स्टार्टअप में बहुत पैसा आ रहा है, ऐसा हो रहा है, राइट। तो ये आपने सही बोला, मुझे वैल्यूएशन कब चाहिए, तो दैट्स व्हाट आप मुझे वही पूछना चाहते हो, मुझे वैल्यूएशन करना क्यों है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो आप हमारा सेकंड एग्जांपल पे आइए, आपका रेवेन्यू है, अच्छे खासा रेवेन्यू है, नॉट बी दैट बिग, बट आपका रेवेन्यू है, आप प्रॉफिट पे चल रहे हो, सब कुछ आपको मिल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिकॉज ये आपका जितना रेवेन्यू आ रहा है उसके आपको मीट हो रहा है आपका एक्सपेंडिचर। बट देन क्या हो जाता है, आप एक वन पॉइंट ऑफ टाइम आप बताओ, मैं भी बैंगलोर पे ही हूँ और मैं एक स्टेट में ही, बट मुझे इंडिया के जब ज्यादा पैसा चाहिए तभी आपको वैल्यूएशन करते हो, मतलब फालतू में उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, अगर अपना बिजनेस सस्टेनेबल है, चल रहा है, चीजें चल रही है, तो उनको क्यों जरूरत है? ओके, आप फिर भी आप बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका बाहर कोई इन्वेस्टर नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने जब बताया था जीरोधा के बारे में, तो आपको तो पता है जीरोधा हाउ गुड एक्चुअली, इफ यू डू दिस ट्रेडिंग एंड ऑल, इट इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म एज कम्पेयर टू अदर्स। नाउ वो जीरोधा पे क्या होता है, जीरोधा क्यों उतना, उनका वैल्यूएशन आई थिंक $2 billion एज ऑन करेंटली, उनका इतना लो वैल्यूएशन क्यों है, आप देखोगे उनका 5 million एक्टिव यूजर्स है, फिर भी लो वैल्यूएशन पे, लो वैल्यूएशन पे क्यों ना, तो आई थिंक इन अ ट्विटर द ओनर इज क्लैरिफाइड लाइक नो, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग बाहर से पैसे नहीं चाहिए, दे व्हाट दे डूइंग फॉर द ईसो पर्पस, दे आर मेकिंग देयर वैल्यूएशन एज मिनिमम ईसोप के लिए, कि भैया कि कोई कंपनी में एम्प्लॉय आता है, उसको कुछ हमने स्टॉक दिए, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रुकता है, उससे हम वापस बाय बैक करेंगे तो ही विल गेट सम बेनिफिट, आपका आपका कंपनी तो ग्रो होगा, एम्प्लॉय को कुछ आप शेयर्स दोगे, ये सब जनरली होता क्या है, ईसोप इज अ वेरी बिग थिंग, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ईसोप क्या होता है, ईसोप इज अ वेरी बिग थिंग, बट सिंपल में मैं बता देता हूँ आपको, आपका कोई एम्प्लॉई है, ही इज वेरी गुड एनफ, आप उसको ईशॉप देना चाहते हो, तो आप इसे डिस्काउंटेड प्राइस दोगे, मार्केट प्राइस से कम दाम से उसको दोगे। अगर व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं तो कि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस, यस एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस इट्स अ वेरी बिग थिंग, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, तो वही कि दिस इज द ओनली रीजन ही इज कीपिंग लाइक उनका वैल्यूएशन कम है जीरोधा का,
अदरवाइज उनका तो मार्केट बहुत बड़ा है, बड़ा है सब कुछ एंड दे आर वेरी गुड. मतलब हमको मतलब प्रॉफिट भी है उनके, पर हमको भागना नहीं चाहिए. मतलब हाँ, भागना नहीं चाहिए. वही हमारे जो सेकंड एग्जांपल पे एक बिजनेसमैन अच्छे से चल रहा है, आपको भी पता होगा शार्क टैंक में जो भी आए थे उन लोगों का रेवेन्यू अच्छा है. आप तो यू हैव बीन सीन दैट एंड दे आर हैविंग गुड प्रॉफिट आल्सो. बट स्टिल वो क्यों आते, उनको मेंटर चाहिए था. मेंटर चाहिए एक्चुअली. जो चार जो बैठे थे उनका मेंटरशिप है, उनका आइडिया है, तो उनके हिसाब से वो एक्सपेंशन करते थे इधर इन इंडिया और बाहर भी जाते थे बिकॉज उनका सपोर्ट रहता है. तो आपने सोच लिया कि लाइक दो तीन साल मैंने बिजनेस कर लिया अच्छे खासे हो गया, चलो बाहर चलते हैं, मैं मेरा बिजनेस को बड़ा बनाना चाहता हूँ. उस टाइम पे आपको वैल्यूएशन चाहिए राइट. तो आपको जब भी आप जिसको भी आप बुलाओगे एज ए मेंटर और आप जिसको भी आपको तो कैपिटल चाहिए, इतने कैपिटल पे नहीं होगा बाहर नहीं जा सकते. तो आपको वैल्यूएशन चाहिए, जब आपको चाहिए कोई कैपिटल, आपको चाहिए कोई न्यू इन्वेस्टर चाहिए, तो मेरा वैल्यूएशन क्या है. बट क्या हो जाता है, आपको कोई इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए. सपोज यू आर गोइंग गुड, आप मे बी बाहर नहीं जाना चाहते हो, स्टिल भी आपको पता कर सकते हो आपका बिजनेस वैल्यू क्या है. कैसे कर सकते हो, हर साल आपका फिनेंशियल्स प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, आपको हर साल आपको ऑडिटर्स देते हैं राइट. तो उसमें क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा वैल्यूएशन मेथड. मैं आपको ये जो इतना सारे बहुत सारे वैल्यूएशन का मेथड मैंने धीरे धीरे बता दिया हूँ, मैं आपको समराइज कर लूँगा ओके. तो नहीं, ये भी क्या होता है, यहाँ पे आपका बुक्स देखोगी बैलेंस शीट में एसेट्स एक साइड होता है, लाइबिलिटी एक साइड होता है. तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज इफ यू डू नथिंग बट योर नेटवर्थ ओके, दैट इज ओनली द वैल्यूएशन. अच्छा, दैट इज द ओनली वैल्यूएशन, दैट इज अ वैल्यूएशन दैट इज कॉल्ड इज नेट एसेट मेथड. यहाँ पे क्या होता है ना, प्योरली व्हाट यू आर हैविंग. सो सपोज फॉर एग्जांपल एनी कंपनी आप पकड़ लो, उनका एसेट कुछ 2 करोड़ का एसेट है, बैंक बैलेंस 1 करोड़ का है एंड एसेट साइड इज 3 करोड़ रुपीज, उनका लाइबिलिटी है ओनली 1.5 करोड़ ओके. उस बंदे ने जब बिजनेस शुरू किया था वो 1 लाख कैपिटल से शुरू किया था, तो कैपिटल आपको पता है शेयर कैपिटल लिखा जाता है 1 लाख रुपीज ओके. बट उसका रेवेन्यू है इसीलिए उसका इतने सारे वो पहुंच गया. समझ में आया? बिल्कुल 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 समझ में आया. इट्स अ वेरी सिंपल कंपनी में एग्जांपल ले रहा हूँ, जहाँ पे एक बंदे ने 2-3 साल काम किया, उसने कुछ रेवेन्यू बनाया, उसके हिसाब से 2 करोड़ का उसका एसेट है, 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है, ये बात खत्म. इस साइड पे लाइबिलिटी में 1.5 करोड़ उसका लाइबिलिटी है, मे भी कुछ पे करना हुआ. तो अभी आपके पास कितना है, 1.5. तो 3 करोड़ डिवाइडेड माइनस 1.5 करोड़, रिमेनिंग 1.5 करोड़, उसमें आपका कैपिटल भी रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी रहेगा. तो इज अ काइंड ऑफ सिंपल नेटवर्थ ऑफ योर कंपनी. तो वो मेरी कंपनी की नेटवर्थ हो गई. तो मतलब कंपनी में मतलब जितने ज्यादा एसेट्स बिल्ड करेंगे तो वो भी ज्यादा बेटर है क्या, मतलब अगर देखा जाए तो. पर वो डेप्रिसिएशन में जाता है उसका क्या? नहीं, वो देखिए अभी वो एक डिफरेंट है ओके, वो डिफरेंट है ओके. दैट इज गोइंग टू बी लाइक, मैं अभी एसेट खरीद रहा हूँ, देखिए 2 करोड़ का एसेट है ओके. इसमें से आपको प्रॉफिट में कितना, देखिए अभी कोई भी अमाउंट आप स्पेंड करते हो, देर इज ए कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू हो रहता है. तो कैपिटल एक्सपेंसेस होता क्या है, वही एसेट्स खरीदते हो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है क्या, नथिंग बट योर सैलरी, सैलरीज हो गया, ये सब डायरेक्टली हम P&L को चार्ज कर देते हैं राइट. आपको भी देखे होंगे डायरेक्टली हम P&L को, बट एसेट का पूरा डायरेक्टली नहीं जाता है. रीजन कहीं एवरी एसेट का लाइफ होता है. अभी आप खरीद रहे हो तो आप उसको इमीडिएटली वेस्ट नहीं करोगे. तो उसमें क्या होता है, उसी लाइफ के लिए ही हम डेप्रिसिएशन ओनली चार्ज करते हैं टू दैट एक्सटेंट ऑफ कितना खर्चा. सपोज फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ से 1 करोड़ का सिस्टम वगैरह खरीदे हो कंप्यूटर्स, उसमें 4 साल का आपका डेप्रिसिएशन चल रहा है, मतलब उसके आप में 1 साल में कितना हुआ उतना ही हम चार्ज करते हैं. तो ये काइंड ऑफ व्हेन यू प्रिपेयर फाइनेंशियल्स, उसमें आपका प्रॉफिट लॉस ही जाता है. ये इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट ओके. चलो मैं चाहता हूं कि अभी आप ना एक बार ये जो एनालिसिस है हम एक बार आप बता सकते हो लाइक कैसे प्रॉफिट जाता है शेयर कैपिटल पेड. आपको कैसे पता होना चाहिए एज ए फाउंडर, सिंपल चीज, आपका प्रॉफिट आ गया, से एग्जांपल आपका कुछ भी प्रॉफिट आ गया, 1 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, 3 करोड़ रेवेन्यू से 1 करोड़ प्रॉफिट आ गया, वो 1 करोड़ जाके आपको कैपिटल में एड हो रहा है एंड आप वहां से आपको टैक्स पे करना पड़ता है, दैट्स ऑब्वियस 25%. आप टैक्स निकाल दो फिर उसके बाद भी आपका 75 लाख हुआ तो आपका प्रॉफिट में 75 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ से 25 गया, 75 लाख का प्रॉफिट रहा, 75 ऑलरेडी आपका बिजनेस पे 1 ऑलरेडी 1 लाख था एज ए कैपिटल एंड प्रीवियसली आपका प्रॉफिट हुआ होगा ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का 70 लाख प्रॉफिट. तो लास्ट ईयर का 70 लाख प्रॉफिट, दिस ईयर का 75 लाख, ऑलमोस्ट कम्स टू 1.4 करोड़ एंड 1 लाख का कैपिटल, तो ऑलमोस्ट आपका कितना हो गया नाउ 1.5 करोड़ आफ्टर टैक्स, दैट्स योर नेटवर्थ राइट. So, मेरी नेटवर्थ हो गई, वही नेटवर्थ हो गई. नाउ वही 1.5 करोड़ आपका कितना सेल्स था, नंबर ऑफ सेल्स कितना था, 10,000 था, डिवाइड कर लो, दैट इज योर नाउ एक सेल प्राइस, एक शेयर का प्राइस. एसेट मेथड, ये वेरी सिंपल मेथड है.
इसमें कोई आपको खर्चा नहीं करना पड़ता, आपका फाइनेंशियल पकड़ लिया, आपको पता चल गया। थैंक यू रविंदर सर, मतलब आपने एक बार समराइज कर दो कि थोड़ा वैल्यूएशन बता देता हूं। अभी समराइज कर लेता था वैल्यूएशन क्या क्या आपने किया। तो पहले हमने बात किया स्टार्टअप के वैल्यूएशन के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो हम जब प्रोफेशनल्स वैल्यूएशन करते हैं, हम हमारे पास तीन मेथड होता है, ओके। वन इज इनकम अप्रोच, नेट एसेट मेथड, ओके, एंड अनदर वन इज कॉल्ड मार्केट अप्रोच। नेट एसेट मेथड मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया, इट्स अ वेरी सिंपल वन। इनकम अप्रोच मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो क्या बताता है, मैंने आपको बताया था मुझे 5 साल का रेवेन्यू प्रोजेक्शन करना है, 10 साल का रेवेन्यू प्रोजेक्शन करना है, उसके एक्सपेंसेस प्रोजेक्शन। इन सब के बारे में अपन एक एक डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस और बनाएंगे ताकि मेथड के एक एक वीडियो बना सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। ये मेथड्स हम यूज करते हैं टू वैल्यू ए कंपनी, ओके। तो नेट एसेट मेथड इज वेरी सिंपल, आपको वो पता होगा। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब वो जो हमने रेवेन्यू प्रोजेक्ट किए, एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट किए, उसमें से कितना कैश फ्लो आया उसको डिस्काउंट करके हम एक वैल्यू निकालते हैं आज के डेट में। दैट्स अ वेरी टेक्निकल, जो फाउंडर्स नहीं करते, प्रोफेशनल्स करते करते फाउंडर्स से हम ओनली उनका प्रोजेक्शन डाटा ले जाते हैं, ओके। नाउ मार्केट अप्रोच, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप्स एक्चुअली। वहाँ पे क्या होता है, दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड CCM, वन इज कॉल्ड CTM। इट मे लुक टेक्निकल टर्म्स, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है, CCM मतलब कंपनी कंपेरेबल कंपनी मेथड, कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड। देखिए बहुत ज्यादा लोग क्या यूज करते हैं, CTM यूज करते हैं इन इंडिया। CTM कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड, कंपेरेबल अदर कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मतलब मेथड एंड कंपेरेबल CCM पुट टुगेदर, ये सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बीच में दैट आपका सेल्स का हमने मल्टीपल बनाते हैं, राइट, 10 times, आपको याद होगा 10 times, 12 times, दैट इज कॉल्ड CCM मेथड। इसे टेक्निकली इट इज कॉल्ड CCM मतलब, बट आपको चाहिए नहीं, मतलब 10 times बता देते हैं, 10 times मल्टीपल्स द कंपेरेबल हमने जो फाइंड किए, नो दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड अ कंपेरेबल ऑफ योर कंपनी एंड फाइंड दैट यू नो दिस, आफ्टर फाइंडिंग अ कंपेरेबल कितना मल्टीपल्स है, देन यू अप्लाई इन योर कंपनी, ओके। दिस इज कॉल्ड CCM एंड अनदर वन इज CTM, इट इज वेरी ट्रांजेक्शन कंपेरेबल करना है, इट्स अ काइंड ऑफ, बट यही मेथड्स ऑफ यूज किया जाता है। तीन अप्रोच है, उसमें चार मेथड्स आते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस वैल्यूएशंस। And thank you रविंदर सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एंड आपने जो वैल्यूएशन के बारे में बताया ना, मतलब ये कोई बता नहीं सकता एक्चुअली, अपन इतना रिसर्च कर ले, सब कुछ कर ले, बट जो आप जो नॉलेज दे पाएंगे आई थिंक वो कोई नहीं दे पाएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में हेल्प मिली जाएगी। अभिषेक व्यास साइनिंग ऑफ।